How are you all? Fine. Okay, everyone open your computer book. Chapter 9, page number 91. My chapter name is typing. हाँ बोलिए, typing in WordPad. जो हमारा chapter का name है वो क्या है, WordPad में, हम WordPad में हम कैसे typing करेंगे. तो page number 91 पे, जैसे ये ऊपर का हम लोगों ने पढ़ा था कि WordPad window में देखा था कि WordPad, ये parts of window, वर्डपैड विंडो के थे कि सबसे पहले क्या आता है कि वर्डपैड को हम बटन को क्लिक करेंगे. सेकंड ऑप्शन था रिवन आएगा, रिवन में हम क्या करेंगे, टेक्स्ट एरिया लेंगे और टेक्स्ट एरिया में फिर क्लोज बटन होगा. मतलब कुछ एरिया ये राइट करने वाला है जहाँ पे आप कुछ भी राइट करें. हाँ, जैसे आप लोगों ने कॉपी पेन पेंसिल पे राइट करते हैं पेज रहता है, वैसे ही वर्डपैड में भी वैसे ही सेम पेज रहता है, लेकिन यहाँ पे हम लोग कीबोर्ड और मतलब मॉनिटर पे लिखते हैं, ऐसे टाइपिंग करते हैं, तब जाके हमें कुछ भी चीज़ें मिलती हैं. ठीक, सॉफ्टवेयर में फिर आता है उसी में क्या दिया कि वर्किंग विथ टेक्स्ट. टेक्स्ट में कैसे वर्क करेंगे, टाइपिंग टेक्स्ट, कुछ टेक्स्ट मैसेज कुछ राइट करना हो कैसे करेंगे. व्हेन यू राइट समथिंग ऑन द कंप्यूटर यूजिंग द कीबोर्ड, जब आप कंप्यूटर कुछ भी राइट करना हो और मतलब कंप्यूटर को यूज करके कीबोर्ड को, तो इस कॉल्ड टाइपिंग, उसको क्या बोलते हैं, टाइपिंग, क्योंकि कीबोर्ड में ही हमें सारे अल्फाबेटिकल वगैरह दिए रहते हैं और कंप्यूटर के थ्रू करते हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे, टाइपिंग. एंड Once you open the WordPad window, you can start typing in the text area. मतलब क्या कह रहा है, Once you open, मतलब एक बार आप भी open करें क्या WordPad window, and you can start typing in the text area. और आप भी start कर सकते हैं जो text area है वहाँ पर typing करना. ठीक, फिर क्या दिया, the cursor index the position of the text that you going to type. अब यहाँ पे आपको क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे क्लिक करेंगे, कर्सर जिसने यहाँ पे दिया है इसको यहाँ पे क्लिक करेंगे, इंडेक्स पोजीशन देंगे, फिर आप क्या करेंगे, टाइपिंग करने के लिए स्टार्ट करेंगे. फिर आता है सिलेक्टिंग टेक्स्ट, पेज नंबर 92 क्या दिया है, ये देखिए यहाँ पे लिखा भी है, किसी बच्चे ने लिखा है हिकरी डिकरी डॉग द माउस वेंट ऑफ द क्लॉक, इसको बोलते हैं टाइपिंग टेक्स्ट. इस चित्र में देखिए, इस फिगर में. अब आते हैं पेज नंबर 92 पे क्या दिया है, सेलेक्टिंग टेक्स्ट. ठीक, यू कैन सेलेक्ट और सम पार्ट्स ऑफ द टेक्स्ट दैट यू हैव टाइप्ड. आप क्या करें, जैसे कुछ पार्ट्स आपने जो टाइप किए हैं उसमें से कुछ सेलेक्ट करें. एंड टू टेक्स्ट टाइप्स, उसमें क्या करना है, फॉलो करना है स्टेप्स, ये कैसे करेंगे, क्या दिया कि टेक द कर्सर ऑफ द बिगनिंग ऑफ द टेक्स्ट एंड दैट यू वॉन्ट टू सेलेक्ट. कर्सर के थ्रू आपको क्या करना है, लेना है और शुरू करना, जहाँ पे आप टाइपिंग किए हैं वांट टू सेलेक्ट, उसमें जो आपको सेलेक्ट करना चाहते हैं उसको सेलेक्ट करिए. एंड क्लिक एंड ड्रैग द माउस ओवर द टेक्स्ट यू वांट सेलेक्ट. और जैसे यहाँ इतना दिख रहा है ना, इसको इधर वाले को हम, इस पोर्शन को हमने सेलेक्ट किया है, तो वहाँ पे माउस से क्या करेंगे, क्लिक करेंगे और सेलेक्टेड पार्ट वो क्या हो जाएगा, ब्लू हो जाएगा. फिर क्या होगा, रिलाइज द माउस टू द कम्प्लीट द सिलेक्शन. मतलब तब हमें फील होगा कि वो उसने माउस को जो हमने क्लिक किया था वो सिलेक्शन कंप्लीट हो चुका है. फिर यह कि चेंजिंग द फॉन्ट एंड फॉन्ट साइज एंड टेक्स्ट कलर. जैसे होता है ना कि हमें कैपिटल लेटर लिखना है या स्मॉल लेटर लिखना है, तो उसमें फॉन्ट साइज होता है, या बड़ा लिखना है या छोटा लिखना है. तो ये देखिए फॉन्ट साइज दिया गया है, फॉन्ट दिया गया, फॉन्ट साइज है एंड टेक्स्ट कलर. तो जो कलर है जो टाइपिंग करते हैं उसमें, अगर जो कलर मान लीजिए हमको रेड कलर से करना है, जैसे हेडिंग होता है ब्लैक कलर डार्क ब्लैक, तो उसमें कलर के थ्रू क्या लेंगे, टेक्स्ट कलर के थ्रू हम राइट करेंगे. जैसे दिया है कि द डिफरेंट स्टाइल्स ऑफ द टेक्स इन द कंप्यूटर आर कॉल्ड फंड्स. मतलब अलग अलग तरीके टेक्स्ट में क्या दिए हैं, स्टाइल्स दिए हुए हैं, इनको फंड्स बोलते हैं इन वर्डपैड. मतलब वर्डपैड में यू कैन चेंज द फंड फंड साइज एंड टेक्स्ट कलर. आप उसमें फंड लिखने का तरीका, ठीक, कलर, सारी चीज़ें आप साइज उसका चेंज कर सकते हैं वर्डपैड में. ठीक, द ऑप्शन फॉर चेंजिंग द फंड एंड फंड साइज एंड टेक्स्ट कलर आर प्रेजेंटेड इन फंड ग्रुप ऑफ द होम टैब. मतलब ये सारी चीज़ें आपको कहाँ मिलेंगी, होम जब टैब को क्लिक करेंगे, यहाँ देखिए ये होम है, फिर उसमें आपको क्या मिलेगा, फंड साइज फंड कलर है, ये सारी चीज़ें आपको फंड ग्रुप में मिल जाएंगी. ठीक, फिर क्या है कि टू चेंज द फंड इन वर्डपैड. मतलब वर्डपैड में आपको फंड को चेंज करना है तो फॉलो दिस स्टेप. सेलेक्ट द टेक्स्ट, सबसे पहले क्या करेंगे, टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे एंड गो टू होम टैब. तब क्या आ जाएंगे, होम टैब पे जाएंगे.
फिर क्या है, क्लिक द ऑन द एरो एंड द फैमिली, सॉरी फंड फैमिली ऑप्शन, तब वहाँ पे क्या आएगा, फंड फैमिली ऑप्शन आएगा, एरो के थ्रू के जाएंगे तो फिर शो यू डिफरेंट फंड्स इन वर्डपैड, फिर आपके उसमें क्या शो करेगा, बहुत सारे फंड के वर्डपैड पे फंड ऑप्शन शो करेंगे अलग अलग तरीके के। फिर क्या करेंगे, क्लिक ऑन द फंड, फिर फंड को क्लिक करेंगे दैट यू विश, अब तब आप सेलेक्ट करेंगे कि कितना आपको कैसे अप्लाई करना है। फिर 5 नंबर है कि द सेलेक्ट टैक्स अपीयर्स इन द न्यू फंड, अगर आपको न्यू मतलब फंड के लिए भी सिलेक्ट करना है तो आप 5 ऑप्शन पे कर सकते हैं, 5 नंबर पे, 5 स्टेप पे। हाँ, पेज नंबर 93 पे देखते हैं, पेज नंबर 93 पे। हाँ, जब ये आप प्रैक्टिकली करेंगे बहुत मज़ा आएगा प्रैक्टिकल करने में। तो आज इतना ही रहने देते हैं, फिर कल मतलब वर्डपैड का साइज़ कैसे चेंज करना है ये सारी चीज़ें देखेंगे। ओके, आज इतना ही समझिए। पेज नंबर 91 पे दिया था कि वर्किंग विद टैक्स, वर्किंग मतलब वर्क इन टैक्स, वर्किंग मतलब कैसे टैक्स करना है, क्या करना है, ये सारी चीज़ें पढ़े, टाइपिंग टैक्स पढ़े, फिर सिलेक्टिंग टैक्स पढ़े, ये सारी टैक्स में ही आएगा, ठीक। फिर कलर वगैरह, साइज़ वगैरह लेना, ये सारी चीज़ें, तो अब हम इसको आगे कल पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय एवरीवन।